गाइस यार ये है LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और यहाँ पर है हमारे पास कोका कोला। और गाइस यार कोका कोला को और अगर LPG गैस को किसी तरीके से आपस में मिक्स कर दे तब क्या होता है, कितनी कमाल की रिएक्शन होती है, ये चीज़ मुझे पता है कि जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि अगर किसी तरीके से हम LPG गैस और कोका कोला को मिक्स कर दें और फिर इस बोतल को अपसाइड डाउन कर दें तो ये जो बोतल है ये बन जाती है एक हाई स्पीड रॉकेट। और गाइस यार जब मैंने चैनल शुरू किया था तब मैं इस तरीके की बहुत सारी ट्रिक्स ट्राई करता था, लेकिन उस टाइम पे हम ये छोटी वाली बोतल लेना सिर्फ इसके साथ में इस चीज़ को ट्राई करते थे, इस छोटी कोका कोला की बोतल के साथ में, लेकिन हमने कभी भी इस ट्रिक को इस बड़ी वाली 2 लीटर की कोका कोला की बोतल के साथ में ट्राई नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर उसी ट्रिक को इस बड़ी वाली 2 लीटर की कोका कोला की बोतल के साथ में ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। दो लीटर शुरू करते हैं। लेकिन गाइस अब सवाल आता है कि हम LPG गैस और कोका कोला को मिक्स कैसे करें, क्योंकि LPG गैस तो हवा में उड़ जाती है, देखना जितनी भी गैस हम इसमें से निकालेंगे वो सारी हवा में उड़ जाएगी। लेकिन गाइस अगर आप थोड़ी सी साइंस जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि LPG गैस को आसानी से थोड़े से प्रेशर के ऊपर भी लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप अपने घर के अंदर की जो गैस की टंकी होती है उसे हिला के देखें कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर से आपको पानी के जैसे आवाज़ आएगी, ऐसा लगेगा जैसे कि इस टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, जबकि वो पानी नहीं होता है, वो होती है लिक्विड LPG गैस। और हम उसी गैस को लिक्विड फॉर्म के अंदर भी बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखना। आज चिल्ड हो गया, बहुत खतरनाक। और साथ ही साथ इस तरीके से अगर हम गैस को बाहर निकालते हैं तो जो गैस का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, गैस बहुत ही ठंडी हो जाती है और इसी वजह से वो लिक्विड फॉर्म के अंदर रुक पाती है सिर्फ कुछ देर के लिए। लेकिन गाइस एक चीज़ आपको अच्छे से बता दूं कि ये है भाई घर का सिलेंडर, अगर इसका इस्तेमाल किया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, साथ ही साथ घर वाले भी मारेंगे, और मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा ऐसी चीज़ों के साथ में कुछ भी करने के लिए। हटाओ इसको, ये वीडियो में बस इसका इस्तेमाल हमने आपको दिखाने के लिए किया है, क्योंकि इस सिलेंडर को देखते ही लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये LPG गैस है, तो सिर्फ रेफरेंस के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन वीडियो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसका, इस छोटे सिलेंडर का, इसके अंदर भी भरी हुई है LPG गैस, और ये वाला जो सिलेंडर है ये उससे काफ़ी गुना ज़्यादा सेफ है, तो इसके अंदर से भी हम लिक्विड फॉर्म के अंदर ही गैस को बाहर निकालेंगे। गोविंद इस बोतल को पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से ताकि मैं गैस को बाहर निकाल पाऊँ, तो अगर मैं इसको सीधे में ही पुश करूं तो जो गैस है वो सिर्फ गैस फॉर्म में बाहर निकलेगी, लेकिन वहीं पे अगर मैं इसे उल्टा कर दूं और इस तरीके से प्रेस करूं तो जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर बाहर आएगी। देखो, ट्राई मत कर लेना गलती से भी, ठीक है भाई, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, इसीलिए फिर से बता रहा हूँ डोंट ट्राई, सिर्फ देखो और मज़े लो। तो अब हम इस लिक्विड LPG को इस बोतल के अंदर कलेक्ट करते हैं। Oops. आप देख सकते हैं कि अभी इस बोतल के अंदर हमने कलेक्ट कर ली है लिक्विड LPG गैस। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके कैप को, कोका कोला के कैप को धीरे से खोलते हैं। गाइस मैंने इसे अभी तक सिर्फ छोटी बोतल्स के साथ में ही ट्राई किया है, बड़ी बोतल्स के साथ में आज तक भी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया है। उसके बाद में क्या करते हैं, थोड़ी सी कोका कोला हम बाहर निकाल देते हैं बस इस लेवल तक, और अब इसके अंदर डालते हैं LPG गैस। सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है अब मिलाते हैं, ठीक है। राइट गाइस, 3, 2, and 1।
गाइस इट वर्क्स यार, 2 लीटर की बोतल भी काफी अच्छे से उड़ी और आपने देखा कि किस तरीके से वो रॉकेट बन गई भाई। मैं तो देख ही नहीं पाएगा यार, मतलब मैं देख ही नहीं पाएगी भाई बोतल गई किधर है। और आप देख सकते हैं कि वो टेट वहां से उड़ के वहां पे गई है, वो देखो गोविंद हो रहा उसके पास में, वो देखो। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन कितने कमाल की है कि इसने 2 लीटर की बोतल को ही ऊपर आसमान में उड़ा दिया सिर्फ इतनी सी LPG गैस ने। तो गाइस यार आई होप ये रिएक्शन, ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। घर पे ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।